गाइस, मैं हूं ऋषभ और भाई साहब आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं गेस द फूड। जी हां गाइस, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं गेस द फूड बाय इमोजी। अरे बाबा गाइस, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा नहीं कि हमने किस तरीके से गेस द सॉन्ग बनाया है। उसी में बहुत ज्यादा कमेंट था कि भाई एक बार और फिर से बनाओ इसी टाइप में गेस द कुछ करने वाला वीडियो। अरे कहना क्या चाहते हो? तो गाइस, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि हमने किस तरीके से गेस द सॉन्ग बनाया है, वो भी गाइस मैं अकेले था गेस द सॉन्ग चैलेंज भी। लेकिन इस बार गाइस एक लड़का है जो कि मुझे मदद करेगा इस चैलेंज में। ये भगवान क्या नाम है? तो गाइस आप लोग पहला में देख सकते हैं, यहाँ पे दो बच्चा जो है वो पानी पी रहा है और एक बच्चा जो है प्लस में, एक बच्चा जो है वो जा रहा है। पानी पीना और चलना, पीचल कुछ भी। और गाइस यहाँ पे जा भी रहा है, गाइस लग रहा है पानी पी रहा है और जा पी रहा है और जा पिज्जा। यस गाइस, पिज्जा गाइस ये सही बोला है। इसके लिए एक लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा। इसके बाद गाइस यहाँ पे बर्फ है और यहाँ पे आई है, क्या हो सकता है? बर्फ प्लस बर्फ। यस गाइस, बर्फी। फिर से एक बार जवाब दे दिया इसने। स्टार्ट करो। उसके बाद गाइस यहाँ पे गुलाब है प्लस में काला अंगूर है। गुलाब काला अंगूर, क्या बोल रहा है? काला अंगूर नहीं, जामुन है। अच्छा, हमको सिखा रहा है। ओ गाइस, ये तो बहुत आसान है, गुलाब प्लस जामुन यानी कि गुलाब जामुन। उसके बाद गाइस यहाँ पे एक कोलगेट पेस्ट है प्लस में पेड़ है। कोलगेट प्लस पेड़, कोलगेट पेड़, क्या हो सकता है गाइस? क्या हो सकता है? दिमाग लगाओ। कोलगेट प्लस पेड़, ट्री पेड़, मतलब ट्री पेस्ट, पेड़ प्लस ट्री, पेस्ट प्लस ट्री। यस गाइस, पेस्ट ट्री मतलब पेस्ट्री गाइस, जैसा केक जैसा होता है वही होगा पेस्ट्री। गाइज आप लोग को भी पसंद हुआ होगा कमेंट करके जरूर बतावें। उसके बाद गाइज यहाँ पे एक ट्री है और प्लस में ए है, ट्री आ, क्या हो सकता है गाइज? ट्री आ पेड़ है गाइज और ए है पेड़ ए। यस गाइज, पेड़ आ। लेकिन गाइज इसमें एक बात गड़बड़ हो गया गाइज, उसमें गाइज इंग्लिश में था इसमें हिंदी में हो गया, यानी कि मतलब उसमें इंग्लिश में ट्री था इसमें हिंदी में पेड़ है। ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कोई बात नहीं गाइज, हम लोग गेस कर सकते हैं, इस चैलेंज को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं गाइज। ये एक स्कूल बैग है और यहाँ पे एक गन है, बैग प्लस गन। यस गाइज, समझा कुछ? बैगन। यस गाइज, बैगन, बैग प्लस गन यानी कि बैगन। बैगन। सूज प्लस पी, सूज। यस गाइज, सूप प्लस पी मतलब सूप। गाइज मिल गया सूप, लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा। लाल रंग का है प्लस में बहुत ज्यादा टेस्टी खाना है गाइज, मुझे देखकर पानी आने लगा। तुमको भी पानी आ रहा है गाइज? खाने का मन कर रहा है। क्या हो सकता है? रेड आइटम, रेड आइटम, रेड। यस गाइज, रेड प्लस डिश यानी कि रेड डिश। रेड डिश मतलब होता है गाइज मुरई, जिसको आप लोग नहीं खाते होंगे, बहुत लोग को पसंद नहीं है, फिर भी गाइज इसका मतलब हुआ रेड डिश। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। गाइज यहाँ पे ब्लास्ट हो रहा है यानी कि बूम, बड़ा सा धमाका हो रहा है। प्लस में गाइज मकई है यानी कि कॉर्न है। गाइज ये तो बहुत ज्यादा आसान है। आसान है, आसान है, आसान है, आसान है। पॉपकॉर्न। गाइज यहाँ पे एक स्प्रिंग है प्लस में गाइज टिश्यू पेपर है, क्या हो सकता है? स्प्रिंग प्लस टिश्यू पेपर, ये रोल भी है गाइज, स्प्रिंग रोल। गाइज मिल गया स्प्रिंग रोल। गाइज यहाँ पे एक तराजू है प्लस में दो लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा तराजू को, अगर आप थोड़ा सा जूम कीजिएगा वहाँ पे LAW लॉ लिखा हुआ है यानी कि कानून, लॉ प्लस टू
लॉ प्लस दो लॉ दो गाइस समझा तू नहीं समझा क्या गाइस यहाँ पे लड्डू होगा इसने पकड़ लिया गाइस इसके लिए एक लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर से जरूर कर लीजिएगा। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। लास्ट वाला आपके लिए है कमेंट करके जरूर बताएं कि ये क्या हो सकता है जल्दी बताइए। ये बातें बताई नहीं जाती नजर लग जाती है। तो गाइस आपने इस वीडियो में देखा हो नहीं कि हमने किस तरीके से गेस द फूड चैलेंज किया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें कमेंट करें बाय बाय। और गाइस लास्ट वाला चैलेंज आपके लिए था कमेंट करके जरूर से बता देना इसका आंसर क्या होगा। तब तक मिलते हैं दूसरे वीडियो में बाय बाय।